तो अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, फ्लिपकार्ट आ चुका है अपने बिग बिलियन डेज के साथ 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। तो इस वीडियो में मैंने कुछ 5 स्मार्टफोन अलग अलग कंपनी से लाए हैं जो कि इस बिग बिलियन डेज में बहुत ही प्रॉफिट वाली डील हो सकती है। तो ये वीडियो देखने से पहले कोई भी स्मार्टफोन मत खरीदना, और चाहो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए टॉप 5 स्मार्टफोन इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फ़ोन है रेडमी गो। अगर आपका बजट 5000 से नीचे का है तो ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि एमआई का है सबसे पहली बात, और 1500 प्लस का डिस्काउंट है, और काफ़ी कूल फीचर्स है इसके। सबसे पहले ड्यूअल सिम के साथ आता है, 720p कैमरा, HD डिस्प्ले है इसका, ड्यूअल सिम 8 मेगापिक्सल कैमरा है, स्नैपड्रैगन 425 है इसका। तो इन शॉर्ट 5000 के नीचे आपको और कौन सा फ़ोन चाहिए, इतना फीचर्स दे रहा है और 3000 mAh की बैटरी भी है, तो एंड्रॉयड ओरियो के साथ आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया फ़ोन है 5000 के नीचे। अगर आपका बजट 5000 के नीचे है तो आपको ये लेना ही पड़ेगा, 20 प्लस ज़्यादा लैंग्वेजेस के साथ आता है ये फ़ोन, और MI का है, तो बेस्ट फ़ोन है 5000 के नीचे। इस बार आपको लेना है तो ये लो 5000 के नीचे। तो आज का दूसरा फ़ोन है इन्फिनिक्स हॉट 8। इसका वैसे MRP है 899, बट ऑफर प्राइस है 699, तो डायरेक्ट 2000 का फ़ायदा। मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ, गुड कैमरा, गुड बैटरी लाइफ, और 7000 रुपये में कोई फ़ोन ऐसे फीचर्स देता नहीं है। सबसे पहले 6.52 के HD प्लस स्क्रीन, मिनी ड्रॉप नॉच अलॉट, और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, मतलब बहुत ही ज़्यादा फीचर्स। 5000 mAh की बैटरी लाइफ, मतलब कोई फ़ोन देता ही नहीं 5000 mAh की बैटरी लाइफ। हीलियो P22 प्रोसेसर के साथ आता है, ट्रिपल रेयर कैमरा के साथ, 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा इसका, तो एक फ़ोन में और क्या चाहिए, बेस्ट फ़ोन है ये। इस तो आज का थर्ड फ़ोन है वीवो Z1 Pro। अगर आपका बजट 10000 से 15000 के बीच में है तो ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं सब। और सबसे पहले तो इसकी प्राइस 4990 की है, बट 12990 में मिल रहा है इस फेस्टिव सीज़न, क्योंकि फ्लिपकार्ट का ऑफ़र है। तो मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ। यह आता है 6.53 के HD IPS स्क्रीन डिस्प्ले के साथ। इसकी बैटरी है 5000 mAh, जो कि बहुत लाजवाब है इस प्राइस रेंज में। और ये स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आता है, जिससे आपके मोबाइल की जो गेमिंग है वो एकदम बूस्टअप हो जाएगी। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट है आपका, तो ये फ़ोन आपके लिए जैम से कम नहीं। और अगर कैमरा की बात की जाए तो इसका रियर कैमरा है 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड डेप्थ कैमरा, और जो फ्रंट कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल। और वीवो के कैमराज हमेशा अच्छे ही होते हैं, वीवो अपने कैमराज के लिए ही जाना जाता है। अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कैमरा और गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा दे, तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ये मोबाइल पबजी मोबाइल का ऑफिशियल स्पॉन्सर। तो आज का हमारा फोर्थ स्मार्टफोन है पोको F1। इसकी प्राइस है 14999 आज सेल पे, यूजुअली ये 18000 पे बिकता है। और कंपेयर किया जाए इसके प्राइस को दूसरे फ़ोन से, तो ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, और इसे OnePlus 6T से काफ़ी यूट्यूबर्स ने कंपेयर किया है, और ये कई मामलों में OnePlus 6T को भी पीछे छोड़ देता है, और जो इसकी प्राइस है वो उससे लगभग आधी है। तो इस फ़ोन को लेने से पहले आप सोचिएगा मत। इसका जो स्नैपड्रैगन है वो 845, जो अब तक का फास्ट स्नैपड्रैगन है। अभी नया एक लॉन्च हुआ 855, बट वो ज़्यादातर फ़ोन में है नहीं, ज़्यादातर फ़ोन अभी भी 845 स्नैपड्रैगन ही यूज़ कर रहे हैं। तो एकदम फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है, आपको 15000 रुपीज़ में मिलने वाला है, और 4000 mAh की बैटरी है, 12 प्लस 4 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है, लेकिन इसके मेगापिक्सल मत जाइए, इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, लेने से पहले सोचिएगा मत। आज का हमारा आखिरी फ़ोन है Redmi K20। ये भी एक फ्लैगशिप फ़ोन है, इसका वैसे प्राइस है 23000, बट ऑफर में 20000 तक मिल रहा है फ़ोन। और इसकी बात किया जाए कैमराज की, तो 48 प्लस 12 प्लस 8 मेगापिक्सल का है, जो मतलब पोको F1 से कंपेयर करे जाए तो बहुत अच्छे कैमराज है इसके। 3D डिस्प्ले के साथ आ रहा है ये फ़ोन, 730 ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन है, बट
चल जाएगा। अगर आपको गेमिंग और कैमरास के शौक है तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है इस प्राइस रेंज में। रेडमी ने बहुत समय बाद फ्लैगशिप फ़ोन निकाला है इतने सस्ते प्राइस में और अच्छे। K20 प्रो वैसे तो चाइना में लॉन्च हुआ था लेकिन अभी इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है और ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जो कि ये प्राइस रेंज में ज़्यादातर फ़ोन सपोर्ट नहीं करते। मैंने आपको आज जो 5 फोन्स बताए वो अपने अपने प्राइस रेंज में बेस्ट फ़ोन है। आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाके देख सकते हैं, तो यूट्यूबर की राय भी उनके लिए अच्छी है। जो फ़ोन मैंने आज टॉप 5 सिलेक्ट किए सेल में, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनमें से कोई खरीदे क्योंकि बहुत अच्छे फ़ोन सिलेक्ट किए मैंने।